गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज जो सेशन है वो 12th बोर्ड पे है, यानी मोस्ट आसिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर 12th बोर्ड 2024। ठीक है, जितना सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है, सारे क्वेश्चंस को हम इकट्ठा ले लिए हैं, सबको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इट इज़ वेरी वेरी एफिशियल फॉर 12th बोर्ड एग्जाम। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी इज लाइंग अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ई मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं एक डाइपोल यहाँ रखा हुआ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू ऐसे डाइपोल है, इसी के अलोंग है ना। तो बोल सकते हैं शुरुआत में थीटा वन कितना है, 0 डिग्री है ना। बोलता है कि इस डाइपोल को हम कितना रोटेट करा दे रहे हैं, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री ऐसे कर दे रहे हैं, माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी यहाँ से इसको ऐसे 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। थीटा टू कितना है, 90 डिग्री, यानी पहले 0 डिग्री था, 0 डिग्री समय से रोटेट करा कितना कर दे रहे हैं, 90 डिग्री। तो वर्कडन कितना करेगा, तो वर्कडन का जो फॉर्मूला होता है वो वर्कडन का फॉर्मूला होता है पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये होता है फॉर्मूला। यानी यहाँ से चलेंगे पी ई कॉस थीटा वन कितना है, थीटा वन 0 डिग्री, कॉस थीटा टू कितना है, 90 डिग्री है ना। तो पी ई कॉस 0 होता है 1 और इसका वैल्यू होता है 0, तो आंसर हो जाएगा पी ई, राइट आंसर इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर टू है कि 3 कैपेसिटर्स है, एच कैपेसिटर सी, सबका कितना वैल्यू है, सी है, और सबको किस में जोड़ा गया है, सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, 3 कैपेसिटर जो है 1, 2, 3 सी सी सी, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हम लोग जानते हैं कि सीरीज में क्या हो जाता है, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, यानी सब क्या इक्वल है, तो 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C, यानी 3 बाई C, और C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/3, क्योंकि ये 1 बाई C इक्विवेलेंट है, तो आंसर क्या होगा, C/3। क्वेश्चन नंबर थ्री है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस है ना 1 माइक्रोकूलम ईच प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम ईच, यानी 2 चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यदि प्रत्येक चार्ज का वैल्यू है वो कितना दे रखा है, 1 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, यानी एक Q1 चार्ज यहाँ पे है, एक यहाँ पर Q2 चार्ज है, और Q1 Q2 दोनों दे रखा है इक्वल, और वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोकूलम, और माइक्रोकूलम होता है 10^-6 कूलम, और दोनों के बीच का जो है सेपरेशन है वो दे रखा है 1 मीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/R, पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा K^10^9 हो गया, Q1 कितना है 10^-6, Q2 भी कितना है उतना ही है, और R है 1, सोल्व करेंगे 9 × -12 में से 9 हो गया 10^-3, ये हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किस क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कम हो जाता है तो सिस्टम हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, यदि उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है किसी बॉडी में तो बॉडी हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात हो रहा है, तो इसमें क्या डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्वेश्चन नंबर फाइव कि 2 चार्ज स्फीयर्स विच आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस डी एग्जर्ट फोर्स, यानी 2 स्फीयर है, एक स्फीयर यहाँ मान लेते हैं, एक स्फीयर यहाँ पे है, दोनों का चार्ज मान लेते हैं Q1 है Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन मान लेते हैं R, तो इसमें बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा, तो बस लग रहा होगा K Q1 Q2/R2, ठीक है ना। बोल रहा है कि इफ द चार्जेस आर डबल्ड, चार्ज को कितना कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, डिस्टेंस भी क्या कर दिया गया, दोगुना, यानी बोल रहा है कि K Q1 कर दिया गया दोगुना 2Q1, Q2 भी हो गया दोगुना 2Q2, डिस्टेंस भी हो गया दोगुना यानी 2R2, तो फोर्स कितना हो जाएगा, एफडस कितना हो जाएगा, तो 2×4 K Q1 Q2, और नीचे क्या हो गया 4R2, 4 से 4 कट गया, यानी K Q1 Q2/R2 फोर्स के बराबर ही हो गया, यानी इतना बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर फोर्स का फोर्स ही रह गया।
ठीक है. क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 100 नैनोकुलम, एक बॉडी के अंदर चार्ज कितना है 100 नैनोकुलम है, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, कितना जो है इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होगा. सॉल्व कर लेते हैं इसको, यानी हम लोग जानते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है एन ई, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है यानी एन निकालना है, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई ई. चार्ज दे रखा है 100, नैनो मतलब 10^-9, ई की वैल्यू 1.6 10^-19. सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/1.6 10^, ये हो जाएगा कितना +10, इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 62.5 में 10^10. देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, यानी 10^ है ना, तो ये हो जाएगा आंसर डी ऑप्शन, यानी इसमें 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.5 10^11 हो जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेवन देखा जाए तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एसाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के असाइनमेंट होता क्या है, तो बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. फोर्स का क्या होता है एसआई यूनिट, तो ये होता है न्यूटन, और चार्ज का होता है कूलम्ब, यानी आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब, डी ऑप्शन. क्लियर, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन है कि द चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, इफ द रेडियस इज डबल्ड देन आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा. बोला कि मान लेते हैं ये गॉसियन सरफेस है, ये क्या है गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कोई एक चार्ज रखे हैं, तो भाई जो फ्लक्स देगा ना, फ्लक्स जो देगा इसमें जो फ्लक्स देगा वो होता है क्यू इन साइड बाई एप्सिलॉन नॉट. क्या फर्क पड़ता है यदि इसका साइज को दोगुना कर दिया जाए, यदि इसका साइज को दोगुना कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि फ्लक्स तो चार्ज पर डिपेंड करता है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो इसके साइज बड़ा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो रिमेन सी ऑप्शन हो जाएगा अनचेंज्ड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक गॉसियन स्फीयर इनक्लोज्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इन इट द टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा डी ऑप्शन, क्यों डी होगा. मान लेते हैं कि ऐसे गॉसियन सरफेस है, अब अंदर लगा दी है डाइपोल माइनस क्यू, डाइपोल क्या होता है जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों होता है ना, इसके अंदर फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स फॉर्मूला होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, भाई क्यू इनसाइड कितना है एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, अंदर में नेट चार्ज कितना है 0/एप्सिलॉन नॉट, आंसर क्या हो जाएगा फ्लक्स 0, तो ऑप्शन हो गया डी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो ये ऑप्शन हो जाएगा दिस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डी वी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ई इंटू डी एक्स है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, यानी आंसर हो जाएगा 10 का ए. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है इफ ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ शॉर्ट डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन, ई यानी ई है एक्सियल, ठीक है, और इक्वेटोरियल है, दोनों में रिएक्शन क्या है, तो बता दें कि भाई जो ई जो एक्सियल होता है ना, ई एक्सियल होता है 2kp/r³, और ई इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल जो होता है वो होता है सिर्फ kp/r³, मतलब जो एक्सियल होता है ना इक्वेटोरियल का दोगुना होता है, फॉर्मूला से देख सकते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि एक्सियल जो होगा वो 2 times क्या होगा इक्वेटोरियल होगा. ठीक है, तो एक्सियल इज 2 times क्या होगा इक्वेटोरियल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, क्या होता है टेस्ला. थर्ड 13 है क्वेश्चन नंबर, मैग्नेटिक इलेमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का मैग्नेटिक इलेमेंट 3 होता है, कितना होता है 3 होता है, कौन कौन सा होता है, पहला मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जिसको लोग डिनोट करते हैं अल्फा से, दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बोलते हैं एंगल ऑफ डिप जिसको डिनोट करते हैं डेल से, और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
यानी एलिमेंट क्या है, तीन होता है, यानी थ्री क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब, ये जो ये तीन क्वांटिटी है वो डिस्क्राइब करता है मैग्नेटिक बिहेवियर को, तो लिख सकते हैं सी ऑप्शन होगा, थ्री क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 14, द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो है स्ट्रेंथ क्या होगा, तो वो क्या करेगा, है ना, कॉन्स्टेंट तो हर जगह होता नहीं है, चेंज करता है, जीरो एवरीवेयर गलत है, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह पे क्या करता है ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, तो क्लियर है कि जो है पूछता है एग्जाम में, है ना, डायमेंशन ऑफ के पूछता है, है ना, आपका नोट होता है, दोनों को याद होना चाहिए, तो रटने से बेहतर है कि हमको याद होना चाहिए निकाले कैसे, तो पहले फोर्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, के की वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, है ना, तो यहाँ से के को हम लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर बाई क्यू वन इंटू क्यू टू, डायमेंशन लिखेंगे तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर का हो गया एल स्क्वायर, चार्ज का होता है ए टी, अब इसका दो चार्ज है तो ए टी, यानी के का जो डायमेंशन होगा वो होता है एम एल क्यूब, एल क्यूब टी के पावर माइनस फोर, ए के पावर माइनस टू। ये कभी पूछ दे कि भाई के जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट डायमेंशन क्या होगा, तो ये होगा, अब यहाँ पूछा जा रहा है एप्सिलॉन नॉट का, तो बता दे के इज इक्वल टू होता है वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी दोनों एक दूसरे की इन्वर्सली है, यानी एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा वन बाई फोर पाई के, फोर पाई का होता नहीं है, यानी इसका उल्टा कर देंगे, यानी ये हो जाएगा ए माइनस वन एल माइनस थ्री, ये हो जाएगा एल टी का पावर फोर ए का स्क्वायर। अब देखते हैं किस में है, एम के पावर माइनस वन उधर, एल के पावर माइनस थ्री, ए के पावर माइनस थ्री, है ना, टी के पावर फोर, है ना, तो ये है एल के पावर माइनस थ्री, ये माइनस थ्री होगा, ये ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, ठीक है, गलतियाँ लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम बता चुके हैं कि फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी उसके हिसाब से दिस इज बी ऑप्शन, है ना। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर टू कूलम्ब ऑफ चार्ज, दो कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, तो इसको सोल्व ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई एक कूलम्ब चार्ज में, यदि किसी को याद हो, है ना, ये अक्सर पूछता है कि एक कूलम्ब चार्ज में, एक कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कैसे आता है, तो निकाल सकते हैं चार्ज इक्वल टू एन ई, है ना, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ई से लोग निकाल सकते हैं, है ना, यदि अगर चार्ज वन कूलम्ब लिख दें और ई की वैल्यू 1.6 10 के पावर माइनस 19 इसको सोल्व करेंगे तो 6.25 10 के पावर 18 आता है, लेकिन यहाँ एक कूलम्ब इतना है तो दो कूलम्ब में कितना चार्ज हो जाएगा, तो भाई दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो 6.5 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन सा ऑप्शन होगा, है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ्ड इट्स कैपेसिटी, बोल रहा है कि भाई पैरेलल कैपेसिटर का जो बीच का जो प्लेट है उसको डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क क्या पड़ेगा, सो यहाँ देखते हैं इसमें, तो बता दें इसका जो फॉर्मूला होता है, है ना, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला, है ना, यानी डिस्टेंस को हाफ कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को डी बाई टू कर देंगे तो ये टू ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो हम लोग बोल सकते हैं जो सी डैश है वो क्या हो गया, इनिशियल का दोगुना हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं इंक्रीजेस टू टाइम्स, दो टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल कांस्टेंट, कोई स्फेरिकल सेल है, ये क्या है, स्फेरिकल सेल कहने का मतलब ये हो गया कि अंदर से ये क्या है, होलोस्फीयर है, चार्ज्ड होलोस्फीयर है, और चार्ज्ड होलोस्फीयर में, है ना, हम जानते हैं कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड यदि जीरो है, है ना, तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट,
पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। क्यों, कैसे, क्योंकि डी वी इज इक्वल टू होता है माइनस ई इंटू डी आर, ये होता है फॉर्मूला। अगर यही जीरो हो गया तो डी वी क्या हो गया, जीरो। डी वी जीरो का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल जीरो, यानी पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल जीरो का मतलब होता है वी कॉन्स्टेंट, मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए चेंज क्या है, जीरो। आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। द इलेक्ट्रिक, क्वेश्चन नंबर 21, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरियू डिस्टेंस। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जो होता है वो क्या होता है, एक्सेल के लिए 2kp/r³ होता है, है ना, या इक्वेटोरियल के लिए kp/r³ होता है। लेकिन वही हम लोग पोटेंशियल बात करते हैं तो लोग क्या लिखते हैं, kp/r², यानी यहाँ पर होता है 1/r³ और यहाँ होता है 1/r², उसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वो करेंट से आ गया, इसलिए नंबरिंग से है, 1, 2, 3 स्टार्ट हो जा रहा है। फोर कंडक्ट द रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड करेंट डेंसिटी जे, कंडक्टिविटी सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हम लोग पढ़े हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो सिग्मा होता है ना, सॉरी, जो करेंट डेंसिटी होता है जे, जो होता है वो होता है सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला होता है। तो उसके हिसाब से देखिए हम बेच कराएंगे तो जे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ए वायर कैरीज करेंट 1 माइक्रो एम्पियर। एक वायर में करेंट कितना है, 1 माइक्रो एम्पियर है। इफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, इतना ही तो हम लोग जानते होता है, जा सकता नहीं है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा वायर में। तो क्वेश्चन है आसान, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, करेंट हम लोग जानते हैं क्या होता है, होता है चार्ज बाय टाइम, ठीक है, और चार्ज क्या होता है, एन ई, यानी करेंट इक्वल टू हो जाएगा एन ई बाय टाइम। करेंट दे रखा है 1 माइक्रो यानी 10⁻⁶, चार्ज एन ई और टाइम कितना है, 1 सेकेंड यानी 1, यानी एन ई इतना है। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ डिवाइड बाई ई, यानी डिवाइड 1.6 10⁻⁹। अगर ये ऊपर जाएगा तो 10⁻ कितना हो जाएगा, 13 × 1.6, इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻½ बाई 1.6, इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 × 10⁻½, तो 6.25 × 10⁻½ कौन सा ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा 13 यानी ए, क्योंकि इसको 10 से इधर देंगे तो 6.25 × 10⁻½ बचेगा, जो हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। वो जानते हैं कि भाई जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं टेम्परेचर किसी वायर में, जो हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अंदर के जो पार्टिकल्स है, जो फ्री चार्ज है, उसमें वाइब्रेशन बढ़ जाता है। वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से है ना, उसमें रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, वो घट जाता है, जिससे रेजिस्टेंस की वजह बढ़ जाता है। यानी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से अंदर में क्या हो जाता है, जाम बढ़ जाता है, क्योंकि कोलिजन बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, कोलिजन ये इंक्रीज हो गया। अब कोलिजन यदि इंक्रीज हो जाएगा है ना, तो इसका मतलब जाम बढ़ जाएगा, है ना, समझने के लिए। तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक तरह से जाम हो गया है ना, जो फ्लो को रोकता हो, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। यानी इसमें जो बोल रहा है ना क्वेश्चन नंबर 4 में, यानी ये क्या है ना, दो सेल है, जो इसका रेजिस्ट इसमें E1 है, ये R1 है, इसमें क्या है, ये E2 है, रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। तो इसको जो है किए हुए हैं, तो ये इसका जो है इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, है ना, इक्विवेलेंट EMF कितना होगा। तो ये जो है इसको हम सोल्व कर देते हैं इसका ये हमारा था आंसर। तो इसका जो है फोर में, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोल रहा है कि दो EMF है, इसका पर इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक और EMF इधर है, इसका भी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, R1 R2 है ना, इसमें EMF E1 है, इसमें EMF मान लेते हैं E2 है, इसे करंट I1 फ्लो किया, इसे मान लेते हैं I2
है ना, करंट दोनों मिल के क्या मिल रहा है आई, हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई वन प्लस आई टू। आई को लिख सकते हैं हम लोग इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, आई वन लिख सकते हैं इसमें आई करंट कितना होगा ई वन बाई आर वन, ये क्या हो जाएगा ई टू बाई आर टू। इसको हम लोग सोल्व करेंगे ई वन आई टू प्लस ई टू आर वन डिवाइड बाई आर वन आर टू, ये हो जाएगा ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं भाई ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइड बाई आर वन आर टू इंटू, है ना, और दोनों पैरेलल है ना, आर इक्विवेलेंट क्या होगा दोनों पैरेलल है तो इसका जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, ये होता है। तो इसको जाके आर इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, ये कट जाएगा ये दोनों तो मिलेगा ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, ये आर वन है, ऐसे मिलता है। या फिर इसको याद ही रखना चाहिए, है ना, इसको तो हम लोग पढ़ाते हैं तो इसको बोलते हैं याद रखने के लिए, तो ये याद ही होना चाहिए, इतना क्वेश्चन सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, समय बचेगा। तो इसका ऑप्शन नहीं दे रखा है, इधर ऑप्शन होगा अगला क्वेश्चन में, तो ये जो है इसका ए ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज ई मास एम मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, भाई फोर्स कितना होगा, तो फोर्स हो जाता है, फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ चार्ज ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई है, है ना, एक्सेलरेशन फोर्स क्या होता है एम इंटू ए, तो ई ई हो जाएगा, ऐसे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ई ई बाई एम, यानी हो जाएगा दिस ऑप्शन। वन किलोवाट आवर वन के डब्ल्यू एच, हम लोग जानते हैं कि भाई वन के डब्ल्यू एच किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है 3.6, कैसे अगर मान लो कि भूल गए तो इसको जो है कैसे निकालेंगे, है ना, तो वन के डब्ल्यू एच यानी वन किलोवाट आवर, किलोवाट मतलब 1000 वाट इंटू वन आर, यानी 1000 वाट है ना, गुने एक घंटा में 3600 सेकेंड, तो वाट सेकेंड क्या हो गया जूल हो गया, तो हो गया 3.6 × 10^6 जूल, ऐसे भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम, एक वायर है जिसका जो है कितना वैल्यू दे रखा है 16 ओम दे रखा है ना, इसको चार भाग में काट दिया, 16 ओम का है चार भाग में काट दिया, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 ओम हो गया, और सबको क्या कर दिया पैरेलल में जोड़ दिया, सबको जो है पैरेलल में जोड़ दिया, यानी 1, 2, 3, 4 ओम है, 16 था पहले, 16 ओम था, इसको चार भाग में तोड़ दिया, चार भाग में एक वायर को 1, 2, 3, 4, 16 था तो 4, 4, 4, 4 हो गया, तो 4, 4, 4, 4 सबको क्या करते हैं पैरेलल में जोड़ दिया, तो भाई आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/4, यानी ऐसे हम लोग निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, ऐसे ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे तो 4/4 आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 1 ओम, ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस, जब किसी डाइपोल में हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, जब हम लोग डाइपोल इसमें डालते हैं, डाइपोल माइनस क्यू ये है प्लस क्यू, तो इसमें टॉर्क डेवलप हो जाता है, क्या होता है टॉर्क डेवलप हो जाता है, और इसमें खुद क्या होता है रोटेट होता है ना, और हम लोग पढ़े भी हैं कि जो टॉर्क जो आता है इसमें, है ना, और क्या है यहाँ पे, तो फॉर्मूला हो जाता है पी ई साइन थीटा, कितना आ जाता है पी ई साइन थीटा या पी क्रॉस ई होता है, क्योंकि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये फॉर्मूला लोग पढ़े भी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा टॉर्क। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर इज कंडक्टेंस, देखो ओम्स लॉ जो है ना ये जो है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे वैलिड होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ओम्स लॉ फेल हो जाता है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बढ़ जाता है, है ना, तो हम लोग वेरिंग और हाई टेम्परेचर तो लिख नहीं सकते हैं, लो भी नहीं लिख सकते, तो कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे। किरचॉफ्स लॉ जो है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, चार्ज पे होगा नहीं, इस पे होगा नहीं, मास पे होगा नहीं, एनर्जी पे बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, द चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इतना ड्रिफ्ट वेलोसिटी भाई दे रखा है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो मोबिलिटी पूछ रहा है, तो मोबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, मोबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज मोबिलिटी, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड
इज कॉल्ड मोबिलिटी. ड्रिफ्ट कितना है 4.2 × 10⁻⁴. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2.1 × 10⁻¹⁰. यानी हो जाएगा 21 × 42, है ना, दो बार में कटेगा और ये हो जाएगा 10⁻⁶. 2 × 10⁻⁶ किधर है, यहाँ है बी ऑप्शन. ठीक है, क्वेश्चन सारा आसान ही आ रहा है ना. आप सारा देखेंगे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं जो है आया हुआ है. अगला क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज इज सेंसिटिविटी. गैल्वेनोमीटर क्या है, वेरी हाई सेंसिटिव जो है ना डिवाइस होता है, जो स्मॉल करंट में ही हाई डिफ्लेक्शन देता है, स्मॉल करंट में ही पूरा फुल डिफ्लेक्शन देता है, इसीलिए एमीटर बनाना पड़ा है संट जोड़ के. तो गैल्वेनोमीटर इज ए हाई सेंसिटिव डिवाइस, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स और लगा देंगे तो और भी क्या हो जाएगा, इसका सेंसिटिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू है, वो बोल रखा है क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर ये एम आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर टू है, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द. तो लोग जानते हैं यार कि जो बी होता है, डीबी होता है, वो होता है μ0 I μ0/4πIdl sin θ/r² ये फॉर्मूला होता है. तो डीबी क्या होता है, आर स्क्वायर के इन्वर्सली होता है. तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन. ठीक है ना, 1/r² के. लॉरेंज फोर्स क्या होता है, लॉरेंज फोर्स एक वो फोर्स है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगता है. यानी बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स होता है लॉरेंज फोर्स में, वो है ना फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेट, है ना, यानी मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, दोनों को लिखते हैं, यानी क्यू ई प्लस मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी. यानी यहाँ से क्यू बाहर निकालेंगे तो ई प्लस है ना वी क्रॉस बी होगा. तो कहाँ ई प्लस बी क्रॉस बी कहाँ है, तो है ऑप्शन डी में. तो डी इज राइट आंसर. अगला क्वेश्चन एक करेंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस, है ना, करेंट कैरिंग वायर है, किसी वायर में यदि करेंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है. अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, हम लोग क्या करते हैं, करेंट है ना वायर में अंगूठा रखते हैं और उसको चारों ओर घुमाते हैं, तो चारों ओर क्या होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड. यानी इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनसाइड और इधर क्या हो जाएगा आउटसाइड, यानी क्या हो जाएगा ओनली मैग्नेटिक फील्ड. व्हेन एमिटर इज सेंटेड इट्स मेजरिंग रेंज, है इस क्वेश्चन में क्या है ना, अगर हम लोग संट जो है जोड़ते ही हैं रेंज को बढ़ाने के लिए, है ना, संट जो हम लोग जोड़ते हैं रेंज को बढ़ाने के लिए. ठीक है, गैल्वेनोमीटर में भी संट जोड़ते हैं ताकि उसका रेंज बढ़ जाए. ठीक है, ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज लाइंग अलोंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी द वाटर इन द रोटेटिंग मैग्नेट बाई 90 डिग्री, है ना. तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि मान लेते हैं एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, और पहले क्या है एक मैग्नेट है, है ना, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ हो गया. पहले थीटा कितना है, थीटा वन कितना, 0 डिग्री. अब इसे घुमा के कितना करना चाह रहा है, 90 डिग्री. तो भाई इसको यहाँ से घुमाने में वर्कडन कितना लगेगा, तो वर्कडन का फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है, ये होता है एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू. यानी एम बी कॉस थीटा वन कितना है, 0 डिग्री, और ये थीटा टू कितना है, 90 डिग्री. तो कॉस 90 जीरो, तो क्या हो जाएगा एम बी कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, तो आंसर हो जाएगा एम बी. तो आंसर इज सी ऑप्शन एम बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, टू लॉन्ग पैरल वायर इज कैरिंग करेंट 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. में दो एक वायर है, दो पैरल वायर है ना, इस दोनों करंट कितना है, इसे I1 और I2 मान लेते हैं, और क्वेश्चन आसान मानने के लिए दोनों का वैल्यू क्या दे दिया है, 1 एम्पियर. कितना है 1 एम्पियर, ये भी कितना है 1 एम्पियर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस d है और d का वैल्यू कितना दे रखा है 1 मीटर. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, है ना, तो ये फोर्स पर यूनिट जो लेंथ होता है उसको फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2/2πD. ये होता है फॉर्मूला होता है, या फिर हाँ ये फॉर्मूला होता है. तो यहाँ सिर्फ क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं. म्यू नॉट होता है 4π 10⁻⁷. I1 I2 कहता है 1 × 1,
ये है 2 pi, डिस्टेंस कितना है 1, तो ये दो बार में कटेगा तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। तो आंसर हो जाएगा किधर गया, ये ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये चीज चेक करना है तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि C इक्वल टू क्या होता है भाई, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी किस पर डिपेंड करता है ना, एरिया पे, डिस्टेंस पे, है ना, यानी एरिया पर डिपेंड करेगा, है ना। मीडियम अंदर में मीडियम डालने से क्या होता है, बढ़ जाता है कैपेसिटेंस, इस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा, है ना, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, मेटल के, है ना, मेटल पे डिपेंड नहीं करता है कि भाई कैसा मेटल है ना, मेटल ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इफ अ डायलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरल प्लेट कैपेसिटेंस या कैपेसिटर देन वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस। देखो यार, अगर दो पैरल प्लेट है ना, तो अगर कुछ भी नहीं है तो फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यदि अंदर में कोई डायलेक्ट्रिक डाल दे जिसका वैल्यू कितना है, K है, तो K टाइम्स ये इंक्रीज हो जाता है, और डायलेक्ट्रिक जो भी डाल रहे हैं उसका वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा ही होगा, 2 होगा, एक वाटर का 80 होता है, बाकी और भी डालेंगे तो उससे भी ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है डायलेक्ट्रिक डालने से, कैपेसिटर का वैल्यू, कैपेसिटेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो अंदर डायलेक्ट्रिक डालते हैं उसका के का जो वैल्यू होता है बहुत ज़्यादा होता है, 1 से बहुत ज़्यादा होता है। 1 किसका होता है, एयर का मानते हैं 1, और जो भी डायलेक्ट्रिक डालेंगे उसका 1 से ज़्यादा ही होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बोल रखा है कि द इनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इनर्जी डेंसिटी। अब हम लोग जानते हैं कि भाई इनर्जी डेंसिटी क्या होता है, ये तो याद ही रहना चाहिए फॉर्मूला, इनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू से नोट करते हैं, ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन हो गया डी, है ना। इफ द सीरीज कंप्रेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस, है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, अब हम लोग जानते हैं कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट इक्वल फ्लो करता है, द करंट थ्रू इज रेजिस्टेंस इज सेम, है ना, ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप है ना, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई मान लेते हैं, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, डिवाइड बाई 2 × r, यानी बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है, इन्वर्सली होता है। 15 क्वेश्चन नंबर 15, ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नो फोर्स वाइल मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो बोला कि फोर्स जो है कब नहीं होगा, जब चार्ज मूव करता है, यानी चार्ज के संदर्भ में जो फोर्स लगता है वो उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, याद रखना चाहिए, यानी फोर्स तब लगेगा है ना जब साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री नहीं होगा, थीटा जैसे 0 डिग्री हो गया, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे है ना, फोर्स क्या हो जाता है 0, है ना, यानी क्या हो जाता है 0, यानी थीटा क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, है ना, तो फोर्स 0 कब होगा, जब जो मोशन होगा चार्ज का वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरल होगा या फिर एंटी पैरल होगा, यानी 0 होगा या 180 होगा, तो आंसर देखें क्या होगा, इफ चार्ज पार्टी का मूव परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर होगा तो सबसे ज़्यादा फोर्स होगा, चार्ज पार्टी का मूव पैरल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरल मूव करेगा तो उसमें फोर्स क्या हो जाएगा 0, थीटा 0 डिग्री पर फोर्स क्या हो जाता है 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, फोर्स और आई के बीच में क्या रिलेशन है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, फोर्स क्या होता है आई एल बी साइन थीटा या आई एल क्रॉस बी होता है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आई एल क्रॉस बी सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स कैरीज अ करेंट 3.2 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोइल, तो कोइल के सेंटर में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता
है ना, क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है किसी सर्कुलर कोइल में, है ना, सेंटर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला ये होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला पूछ रहा है कितना होगा, तो बीच कोल म्यू नोट कितना होता है, 4π 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, 100। वही करेंट कितना है, है ना, करेंट है 3.2 एम्पियर डिवाइड बाई 2। रेडियस कितना है, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1, 1/10, 10 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, क्या बोल दिया, रेडियस 10 सेंटीमीटर में 10/100 यानी 1/10, 1/10 10 ऊपर चला गया, है ना, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2π यानी 2π इंटू 3.2 इंटू 10⁻, है ना, ये 7 में से 3 जाएगा 10⁻⁴, है ना। अब इसको कर देते हैं, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 इंटू पाई की वैल्यू, पाई के टर्म में नहीं है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3.4, है ना, पाई वैल्यू कितना होता है 3.14 10⁻⁴। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इसको तो लगभग कितना हो जाएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको नहीं करते तो 4 3 12 और 6 18 1 19 यानी उसी 19 पॉइंट समथिंग आता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, है ना, 19.20 पॉइंट समथिंग। तो उसके हिसाब से इसका आ जाएगा आंसर, है ना, इसका एग्जैक्ट आंसर ही निकाल देते हैं मल्टीप्लाई करके, है ना, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके देखते हैं भाई कितना होगा, 3.14 इंटू 6.4, 4 से 4 चौके 16, है ना, 4 4 1 5 और 5 3 15 इंटू 6 6 24 4, 6 6 2 8, 6 3 18, 6 5 4 9, है ना, और 8 5 13, 8 1 9 10 और 1 1 2 यानी 3 पॉइंट यहाँ 20.3, ठीक है 20.3, ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 20.3 इंटू 10⁻⁴। इसको अगर एक पॉइंट अगर इधर लेके जाएंगे तो 2.03 10⁻³ हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा लगभग आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हेनरी इज द यूनिट ऑफ, हेनरी सर्व जानता है किसका होता है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का दोनों का होता है, यानी सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा म्यूचुअल भी होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ सेल्फ एंड म्यूचुअल। इम्पीडेंस क्या होता है, है ना, अगर RL सर्किट है, क्या है RL यानी ये रेजिस्टेंस है और इंडक्टर सीधे रखा है यानी R और L है, तो इसका जो इम्पीडेंस हो जाएगा रूट ओवर क्या होता है R स्क्वायर प्लस इसका इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, है ना, इसका रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, इसका हम लोग एक से छोटा हो जाएगा ओमेगा इंटू एल, तो ये जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, डी ऑप्शन, ठीक है। इफ फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एसी करेंट एंड ईएमएफ देन वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है कॉस फाई, ये तो गोबर क्वेश्चन होगा, कॉस फाई, है ना, कॉस फाई। द रेशियो पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू क्या होता है, तो भाई आरएमएस जो होता है ना, है ना, तो पीक आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, तो करेंट आई आरएमएस इज इक्वल टू होता है आई नोट बाय रूट टू, ठीक है, तो पीक वैल्यू बाय आरएमएस यानी आई नोट बाय ये आई आरएमएस, है ना, इसको उधर लेगा तो रूट टू उधर चला जाएगा, दोनों का रेशियो क्या होगा रूट टू, तो आंसर हो जाएगा बी, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, द फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज इन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, तो बता दें कि क्या है, कैसा सर्किट है, कैपेसिटेंस है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस में जो होता है जो फेज डिफरेंस, यानी जो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो है कैपेसिटेंस में दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है 90 डिग्री, है ना, यानी LR में भी 90 डिग्री होता है और CR, है ना, सॉरी इसमें भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा और प्योर इंडक्टिव रहेगा तो उसे भी कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा 90 डिग्री। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस कितना क्या होता है ओम होता है, रिएक्टेंस को लोग किसे मापते हैं ओम में मापते हैं, है ना, N1 N2 आर नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, स्टेप अप दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन, है ना, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है कि यदि आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा चाहिए,
है ना ये कहाँ पर यूज किया जाता है, कंपनी में, क्योंकि बाहर से अगर जो है वोल्टेज कम मिल रहा है उसको ज़्यादा चाहिए, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए होता है ताकि उसको वोल्टेज ज़्यादा मिले। तो हम लोग जानते हैं कि भाई E1 बाई E2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। स्टेप अप मतलब कि आउटपुट यानी E2 हमको यदि ज़्यादा चाहिए E1 से, है ना, तो नंबर ऑफ N2 जो है ज़्यादा करना पड़ेगा N1 से। यहाँ से दिख रहा है ना, E2 ज़्यादा चाहिए तो N2 को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा इधर गया दिस बी ऑप्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन कैसा कितना होगा? तो भाई फॉर्मूला लो निकाल सकते हैं, है ना, कैसे निकालेंगे? तो EMF इज इक्वल टू होता है -LdIdt, है ना। अगर म्यूचुअल है तो यहाँ पर L ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, तो E इक्वल टू लिख सकते हैं -MdIdt। तो M इक्वल हो जाएगा EdtDi, है ना, ये हो जाएगा। तो EMF क्या हो जाएगा, EMF का कितना होता है डायमेंशन? अब EMF का अलग से निकालना पड़ेगा। तो EMF क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है? तो पोटेंशियल होता है वर्क डन बाई चार्ज, यानी ये हो जाएगा ML²T-2/80। तो इसको हम लोग E के जब लिख देते हैं ML²T-2/80, dt का हो गया T और करेंट का हो गया A। तो यहाँ से हो जाएगा M, ये T है, L² ये T ऊपर जाएगा, ये T से T तो कट गया, तो T-2 और ये ऊपर जाएगा तो A-2। तो ऑप्शन मैच कराते हैं ML²T-2/A-2, दिस इज राइट आंसर। दूसरा तरीका था विधा निकालने के लिए क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू M×I। यहाँ से भी निकल सकता है, M क्या हो जाएगा, फ्लक्स बाई करेंट, क्या हो जाएगा, फ्लक्स बाई करेंट। तो कैसे निकालेंगे, फ्लक्स क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है, है ना। अब फिर से मैग्नेटिक फील्ड का निकालना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी जो है वहाँ से निकालना पड़ेगा फोर्स लो क्यू भी बी, वहाँ से बी निकालना पड़ेगा, है ना। याद रखिए इसको, सबसे बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LCR सर्किट में, है ना, वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट, है ना, कि LCR है, L में भी है, जैसे हम अगर बना दें इसको, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, सब में क्या है 50 वोल्ट है, इसमें भी 50 वोल्ट, इसमें भी 50 वोल्ट, इसमें भी 50 वोल्ट, है ना। तो वोल्टेज अक्रॉस LC क्या होगा, LC, है ना, यानी इसके बीच में पूछ रहा है। तो बता दें कि जो भी नेट होता है ना, भी अगर भी जो इस, अगर इस दोनों का बात करेंगे, भी जो है भी एलोंग LC, तो हो जाता है भी एलोंग L-V along C, है ना, का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो भाई दोनों तो दोनों क्या इक्वल है, तो 50-50 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ऐसे भी समझना था, दूसरा तरीका ये था कि भाई, है ना, L जो होता है, अगर फेजर डायग्राम बनाए तो VL और VC दोनों क्या होता है, अपोजिट होता है। तो VC जो है अगर ऊपर रिजल्टेंट चाहिए होगा तो VC क्या होगा, घट जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर इज 0 वोल्ट। तो LC को वैल्यू दोनों इक्वल है तो आपस में घट जाता है, 0 हो जाएगा। इन सीरीज LCR सर्किट L दे रखा है, C दे रखा है, R दे रखा है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कितना होगा? तो भाई रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, है ना। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो है, ये क्वेश्चन है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होगा, तो फ्रिक्वेंसी छोटी हो जाएगा 1/2π√LC। अब इसमें पुट करना पड़ेगा, है ना, यानी इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, 1/2π√LC। L कितना दे रखा है, L है 8 और C है 0.5 माइक्रो, मतलब 10⁻⁶, ठीक है। और R की तो ज़रूरत है नहीं, तो हो जाएगा 1/2π√ ये 8×5=40, यानी हो गया 4×10⁻⁶, यानी 1/2π, इसको रूट से 2 निकलेगा, × 10⁻³, यानी 1/4π, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻³। तो किस प्रकार आंसर दे रखा है, यानी 1000 बटा 4π, यानी इसको सोल्व कर दिया है 1000 बटा 4π, तो 4 से काट दिया तो ऊपर जाएगा 250 बटा π, 250 बटा π इज राइट आंसर। तो कैसे सोल्व कर रहा है आप देख रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर है 11, तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, तो रेजिस्टेंस होगा हम जानते हैं, यदि प्योर रेजिस्टेंस है ना, प्योर रेजिस्टेंस है तो करंट और वोल्टेज का डायरेक्शन सेम होता है, यानी करंट का क्वेश्चन होता है आई नोट साइन ओमेगा टी और वोल्टेज का होता है ई नोट साइन ओमेगा टी, दोनों सेम फेज में होता है, यानी फेज डिफरेंस क्या होगा इसका, 0 डिग्री, ठीक है। प्योर रेजिस्टेंस में, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में दोनों का फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है, ई एंड आई एंड ई दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, Why is the Wheatstone Bridge more accurate? More accurate इसलिए है क्योंकि भाई इसमें ओम्स लॉ नहीं लगता है, इट डज नॉट इन्वॉल्व ओम्स लॉ, क्लियर। आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाना नहीं था। अगला क्वेश्चन है, दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर रिलेशन, है ना भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, मैकेनिज्म आया हुआ था, फॉर्मूला हो जाता है माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एम इंटू टाउ, ये फॉर्मूला होता है। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो वी डी हम एक तरह से बोल सकते हैं कि वी डी जो होगा, जो वी डी होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आ रहा है ना, कहाँ कहाँ से जो है रिलेशन आ जा रहा है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये, तो इसको तो याद रखना पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, टू पैरेलल कंडक्टर्स करंट कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो वायर में सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, अट्रैक्ट। यदि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एक इधर एक इधर, एंटी पैरेलल तो रिपेल करेगा, तो यह सेम डायरेक्शन में है इसलिए क्या होगा, ये अट्रैक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है कि भाई बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स करेंट इन इट, यानी म्यू डॉट में होगा, क्रॉस में दे रखा है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना। क्वेश्चन अब लास्ट है, होने वाला है खत्म, इतना क्वेश्चन बचा हुआ है। और क्वेश्चन दे रखा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल एन टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन ए हेल्ड विद इट्स प्लेन पैरेलल टू, मतलब बोल रहा है कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स बताइए, एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है ना, ऑफ एरिया क्वेश्चन ए, उसमें एरिया कितना है, ए है, हेल्ड इट्स प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मान लेते हैं कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, समझने के लिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और एक जो है ना कोइल है, और कोइल जो है कैसे रखा गया है, कोइल मान लेते हैं कि वो इस टाइप से रखा हुआ है, तो भाई कट ही नहीं कर रहा है। कोइल अगर ऐसे रखा हुआ है तो फ्लक्स तो देगा ही नहीं, अगर कोइल ऐसे रखा हुआ था होता तो एरिया को क्या करता, कट करता। और हम जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, इट इज टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स विच कट्स द सरफेस एरिया नॉर्मल इज कॉल्ड फ्लक्स। लेकिन यहाँ पर तो पैरल रखा गया है, अगर पैरल रखा हुआ है तो ये कट ही नहीं करेगा, अगर कट नहीं करेगा है ना, नो कट नॉट कट, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। द आंसर इज डी ऑप्शन। द डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 17 में, द डायरेक्शन ऑफ करेंट इंड्यूस्ड इन वायर है ना मूविंग मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड बाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से ही हम लोग क्या करते हैं, करंट का डायरेक्शन को निकालते हैं। जैसे कि अगर कोई वायर है ना, करंट कैरिंग है ना, डायरेक्शन ऑफ इसमें जो है लेफ्ट हैंड रूल, इस टाइप से हम लोग निकालते थे, है ना। तो ये क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं, तो ज़्यादा है ना डिस्क्राइब करने का सकता नहीं है, टाइम भी वेस्ट होगा, तो याद रखना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल इंक्रीज टू 2 times द म्यूचुअल इंडक्टेंस, भाई सोलेनोइड का जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तो एन वन एन टू ए बाई एल, ये होता है दो म्यूचुअल अगर सोलेनोइड है तो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना, यानी दो सोलेनोइड है ना आपस में नज़दीक रखा हुआ है
तो उसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन वन एन टू ए बाई एल, अब यहाँ बोल रहा है कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी को दोनों क्या कर रहा है, दोगुना कर दे रहा है, मतलब इसको भी 2N1 कर दे रहा है, अब इसको भी 2N2 कर दे रहा है, अब बाकी सब सेम है तो 2×4 बाकी वो नहीं हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई 4 गुना उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, बिकम 4 times. क्वेश्चन नंबर 19 इज 100 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू वे 220 वोल्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक नंबर ऑफ टर्न्स, अच्छा ये तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं कि एक 100 ओम रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, अगर रेटिंग जो दिया रहता है, है ना, कहीं भी अगर रेटिंग दिया हुआ है मतलब, तो ये जो है ना ये ERMS है, ये क्या है ERMS दिया रहता है, इसका वैल्यू कितना है 220 वोल्ट, और ये क्या फ्रिक्वेंसी है, तो RMS वैल्यू ऑफ करेंट, भाई ERMS दे रखा है तो भाई IRMS क्या हो जाएगा, IRMS हो जाएगा ERMS में, है ना, रेजिस्टेंस डिवाइड कर देंगे, ERMS है 220, रेजिस्टेंस है 100, तो आ गया 2.2, एक नंबर का गोबर क्वेश्चन, 2.2 एम्पियर, है ना। लास्ट क्वेश्चन है इन सीरीज LCR तो ये जो है फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो बता दें कि इसमें क्या होगा, टेन फाई जो होता है, टेन फाई है ना वो होता है, कैसे होता है वो बता देते हैं, है ना, अगर तीनों करो तो इस टाइप से होता है, है ना, इधर होता है VL, ठीक है, इधर होता है VC, तो VC को उधर ऊपर में लिखते हैं VL-VC, इधर होता है VR, याद हो तो, है ना, दोनों का जो भी ईनेट किधर हो जाएगा, ईनेट इधर आएगा और करंट इधर होता है, दोनों के फेज डिफरेंस क्या ये फाई है, तो इसको टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन फाई इक्वल टू आ जाएगा पी क्या है VL-VC और बी क्या है VR, इसको करंट में अगर चेंज कर दें तो ये हो जाएगा XL- पर करंट ऊपर नीचे करंट काट दें तो सिर्फ ऊपर VXL में XL हो जाएगा या VC में XC हो जाएगा बाई R हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा A, ठीक है। तो ये रहा, अब जो इतना जो क्वेश्चन करा चुके हैं अगर इतना ही अच्छे से अगर रिवाइज हो जाए तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं पूछना नहीं है, ठीक है, चलिए, थैंक यू।